सकती हूँ कि इस बात को जरूर ध्यान दिया जाएगा कि स्थानीय शिक्षक हो, ताकि वो स्थानीय भाषाओं की ज्ञाता हो और बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा दे पाए, जिससे बच्चे अच्छे से ग्राह कर सके। मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बच्चों को जिस भाषा का ज्ञान नहीं होता उस भाषा में उनको शिक्षा दी जाती है। तो अगर स्थानीय शिक्षक रहेंगे या स्थानीय भाषा के जानकार शिक्षक रहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था सुचारू होगी और बच्चे ज्यादा प्रभावी तरीके से सीख पाएंगे। साथ ही शिक्षकों का सतत व्यवसाय विकास होगा, जिसके द्वारा उनको संबलित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाता रहेगा। शिक्षकों के लिए भी जो भी ऐसे स्कूलों में पढ़ाएंगे या ऐसे लेवल पे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको लगातार प्रशिक्षित किया जाता रहेगा, नई नई चीजें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, उनके भी प्रशिक्षण चलेंगे, ताकि वो बच्चों को और ज्यादा कुछ अच्छा दे पाए, जिससे बच्चों में संरचनात्मक विकास और संक्रियात्मक विकास भी हो सके, तार्किक क्षमता बच्चों में विकसित हो सके। जोर घटा बुरा भाग, अगर ये सब चीजें बच्चे प्राइमरी सेक्शन में सीख गए तो इनका जो इनकी जो बुनियाद होगी वो जीवन भर की बुनियादी शिक्षा को, साक्षरता को प्रभावी करेगी। अगर यहाँ पे उन्होंने उस चीज को नहीं सीखा तो आगे सीखने में उनको कठिनता होगी और आगे की चीजें भी सीखने में उनको कठिनता होगी। इसके साथ ही प्रारंभिक और माध्यमिक पाठ्यचर्या को मजबूत करने के लिए सतत संरचनात्मक क्रियाएं कराई जाएंगी और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा। एक शब्द यहाँ पे इन्होंने जोड़ा है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन शब्दावली प्रसव काल से या गर्भावस्था से बच्चे की सीखने और 8 साल तक जो सीखने की अवधि है उसको इंगित करता है। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये शब्दावली बच्चों के गर्भावस्था से 8 वर्ष तक सीखने की